नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे सिडनी ऑस्ट्रेलिया से और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, अब यहां जैसा कि मैंने बताया था, मेरे ख्याल से 2 हफ्ते हो गए हैं लॉकडाउन खुल चुका है और आज है फिर से एक सैटरडे का दिन। और हमारे घर से काफ़ी नज़दीक ये है एक बोटैनिक गार्डन, ओवन बोटैनिक गार्डन। तो यहाँ के बारे में हम लोग बातचीत करते रहेंगे, जब अंदर जाएंगे आपको दिखाएंगे। काफ़ी ब्यूटीफुल है और यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि भैया ये सैटरडे और संडे को इसमें केवल एंट्री फीस है मेरे ख्याल से $6 ईच परसन। अंशिका का भी लिया? अच्छा, अंशिका का बच्चों का नहीं लिया, अडल्ट का $6 ईच है। अदरवाइज अगर आप मंडे से लेके और फ्राइडे तक मेरे ख्याल से ना फ्री वीकडेज में फ्री है और वीकेंड्स में लाइक सैटरडे एंड संडे जो है $6 ईच है। तो आप देख लें अपने हिसाब से, अगर आसपास रहते हैं कहीं पर भी। अंदर कई चीज़ें हैं अंदर में। एक बार काफ़ी पहले 2-3 साल पहले मेरी सिस्टर इन लॉ आई थी तो उसके साथ में हम लोग अंदर गए थे। तब ये अंशिका का शायद स्कूल था, अंशिका का स्कूल था तो नहीं जा पाए। हाँ, यू डोंट रिमेंबर बिकॉज यू फॉरगेट एवरीथिंग, राइट? सो यू वांट टू से समथिंग? I think so, it's going to be very fun inside, isn't it, Anshika? Yes. Because it will be, it's a spring season here, and there will be like beautiful and colorful flowers all over in the botanical garden. So let's go inside and have a look. तो चलिए अब अंदर आपको लेकर के चलते हैं। हमने टिकट वगैरह तो ऑलरेडी ले लिया है और जब बाहर निकलेंगे तो उसके बाद दिखाएंगे। ये बहुत ही प्यारा और खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छा लगा था। अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो देख करके आपको मज़ा आएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब कुछ शहर के अंदर है, ये हम कोई सिडनी से दूर नहीं है, विद इन सिडनी है, सिडनी के अंदर है। और यहाँ पर ये देखिए बोटैनिक गार्डन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन का है ये यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। September 11, 1977 को ये स्टार्ट हुआ था और इसका जो साइज़ है ये कुछ 24 क्या बोलते हैं उसको। So when we enter anywhere, I'll show this. Okay. तो ये देखिए यहाँ पर अभी जो है यूज़ द सर्विस न्यू साउथ वेल्स application to check in before entering. So we have to check in with this app everywhere. Like in the sense, if we go into the mall, if we go into any shop, that's how it looks when you check in. ये हाँ, ये पर यहाँ पर देखिए, तो आप जब चेक इन करते हैं तो इसमें आ जाता है कि कितने लोग किस टाइम से किस टाइम तक। और जब आप बाहर आएंगे तो आपको इसका चेकआउट भी करना पड़ता है उसमें ही। तो एप्लीकेशन है जो डाउनलोड करके मोबाइल में सब लोग रखते हैं और इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए हैं। और देखिए किस तरह से यहाँ पे ये पौधों को पानी दे रही हैं, ये एक महिला है यहाँ की कर्मचारी, वो पौधों को पानी दे रही है। अंशिका कम तो मैं कुछ हाँ 24 एकड़ ज़मीन पर ये फैला हुआ है और ये बाकायदा बनाया गया है। और आपको लगेगा कि ये जैसे कि जंगल है, नेचुरल जंगल नहीं, लेकिन ये क्रिएट किया गया है, बहुत अच्छी तरह से पानी दिया जा रहा है। और यहाँ पर कुछ जानवर भी है ना, उसमें देखो ना, ब्रोशर को रीड करके बताओ। और ये देखिए चाइना के थीम पर गेट बना हुआ है। अच्छा, ये चूंकि एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है यहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ पर आपको अक्सर कई चीज़ों में, मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, आज नहीं इस वीडियो में नहीं। हाँ, डक ये बहुत अच्छा लगता है। इसमें एक देखिए हाउस बना हुआ है, लुक एट दैट साइड, ब्यूटीफुल इजंट इट। ये देखें वहाँ जाके खड़े होंगे, ओके। तो ये है यहाँ पर देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप लोग यहाँ एंड तक रुकिएगा। और ये देखिए एक यहाँ पर बना हुआ है उस तरफ, अभी हम लेकर के चलेंगे, वाटरफॉल भी है। और वो एक उधर हाउस ऐसे बना हुआ है। अच्छा, शी इज़ फीडिंग नाउ, ये यहाँ की कर्मचारी हैं जो ये डक्स को जो है तो खिला रही हैं। ये देखो, काट भी सकती हैं इसका, दैट्स व्हाई कीप सम सेफ डिस्टेंस। सो ये देखो, ये इनका खाना है, ये कोई दाने वाने नहीं है, ये कंपनियों से बन करके आता है, जो भी काफ़ी कुछ मिक्स होता है इसमें। क्या सांप है कि मछली है? वो मछली है, फिशेज हैं। ये है यहाँ पर। और हाँ, आ जाओ आ जाओ अंशिका। और क्या मैं, हाँ ये देखिए कितना बढ़िया डिजाइन से इसको कट किया है ना।
ट्रिमिंग की है, है ना? हाँ, डोम, इट लुक्स लाइक ए डोम। तो जो मंदिरों में या स्पेशली जो बुद्धिस्ट लोगों के वो होते हैं, पकौड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पकौड़ा बोलते हैं ना शायद हिंदी में, पगोड़ा पता नहीं। हाँ हाँ बेटा, ये क्या है बेटा? लिजर्ड, लाइक लिजर्ड एंड इट इज लिजर्ड, दिस इज अ लिजर्ड। चलो कि पैरामाटा में यहाँ पर कुछ है, बोर्ड और लगा है यहाँ ऊपर जाने का? नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा यहाँ से ब्रिज है, तुमको जाना है बेटा? ऐसे जा करके ऐसे घूम करके आ जाओ, केयरफुल है भाई। अंशिका का भी आ रहा है नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ 28 जनवरी को बर्थडे, तो अब अंशिका अपने बर्थडे की अभी से प्लानिंग करवा रही हैं कि ये कीजिए वो कीजिए। मैंने कहा भैया लास्ट ईयर भी इसी तरह प्लान करते रहे और बाद में सब कुछ हो नहीं पाया था, तो आ जाओ चलो पैरामाटा में। हाँ ये मैं बता रहा था कि ये एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है यहाँ की, तो अब पैरामाटा रिवर साइड में देखिए हमारी दिवाली आने वाली है, इसके लिए कल हम वहाँ पर जब वॉक करने गए थे तो कुछ लोग वहाँ पे पूरा लाइटिंग्स वगैरह कर रहे थे, बहुत अच्छी वाली, बेहतरीन ढंग से उस पूरे रिवर साइड को, क्योंकि वहाँ पर लोग वॉक करने वगैरह आते हैं, सजा रहे थे। तो हमने पूछा वहाँ पर वो एक गोरे से जो काम कर रहे थे वहाँ पर, तो उसने बताया कि ये जो दिवाली फेस्टिवल है उसकी वजह से सजावट हो रही है, तो गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव लेती है यहाँ पर, और किसी भी कंट्री के या किसी भी रिलीजन के कुछ इस तरह के लोग हैं जो यहाँ बहुतायत मात्रा में रहते हैं, ज़्यादा संख्या में रहते हैं, तो उनसे संबंधित अगर कोई फेस्टिवल वगैरह है तो उनको सेलिब्रेट करने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। आगे से चलेंगे बेटा, इधर कुछ है देखते हैं, आगे चलो। तो फिर उन्होंने बोला कि अब से लगेगा तो ये क्रिसमस तक जो सजावट हो रही है यहाँ पे बाजारों में वो रहेगी, ज़रूरी नहीं कि हर जगह होता हो पर कहीं कहीं पर यहाँ पर होता है। ये सब क्या क्रिएट किया यहाँ पर, कुछ तो था लास्ट टाइम मैं आया मुझे याद नहीं है। अच्छा यहाँ पे है प्रपात जिसको आप कहते हैं झरना, फॉल्स बोले हैं, वाटरफॉल। इसी से खड़े हो जाओ, इसी से मैं क्लिक कर लूँगा बाद में, इसी से बाद में निकल आए। आओ पाणे जी। अच्छा यहाँ पे भी कुछ है, अंशिका जाके देख के आओ दौड़ के, क्या है, संभाल के पैर संभाल के बेटा, स्लिप ना करने पाए। वही वाटरफॉल का ही होगा, कमन वी कैन आल्सो गो। क्या है वहाँ पर? यू कैन गेट द व्यू फ्रॉम अप देयर ऑफ द वाटरफॉल। ओके, मिलता है व्यू। ये यहाँ से वाटरफॉल का आवाज तो आ ही रही होगी और ये यहाँ से मिल रहा है व्यू। अंशिका वहीं पे रहो, वहीं पे खड़े रहो, दोनों लोग लुक एट मी। आज से अंशिका की शुरू हुई है, नहीं आज से नहीं, लास्ट वीक से शुरू हो गई थी अंशिका की कराटे क्लास। मैं आपको फॉलोइंग वीक में किसी दिन कराटे क्लास का कहाँ है कैसे होता है वो सब थोड़ा बहुत जितना दिखा सकते हैं बाहर से मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ कुछ तो है, ये जो डोम जैसा बना हुआ था ना, वहाँ डोम नहीं मीन्स ये जो इधर रास्ता है क्या वहाँ से बेटा? हाँ चलो देखते हैं। नहीं इधर नहीं, पीछे कुछ तो है जो ऊंचा बना है ना, उसके पीछे समथिंग इज देयर। तो फिर रोड है भाई उस तरफ? नहीं नहीं नहीं, ये जो ऊंचा ऊंचा बना है ना इसके अंदर कुछ है। हाँ अंशिका, अरे छोड़ो यहाँ इतना लिखने पढ़ने के। अच्छा पाणे जी वो जो फ्लावर्स वाला था वो लगता है
पे कुछ है क्या? वहाँ से रास्ता, यहाँ से अंशिका अकेले मत जाना, वहाँ पर देखो बहुत सारे सांप होते हैं, अरे बहुत सारे, क्या बोलते हैं पानी, चेरी ब्लॉसम, कहाँ पे? यहाँ से चलेंगे अंशिका, यस यहाँ से चलो, एक वाटरफॉल यहाँ पर भी है, काम आ जा। ओ देखिए, यहाँ से पानी जाता, फिर वहाँ पे जाता, फिर वहाँ से वो लेके। और ये जब थक जाते हैं ना गर्मियों में यहाँ पर घूमते घूमते, संभालना बेटा अंशिका, देखना कहीं पानी वगैरह है तो बहुत केयरफुल रहना बेटा। ये छोटा सा देखो ब्रिज, छोटे छोटे बने हुए हैं, वाह, द वाटर गोज देयर देन इट गोज इन द पॉन्ड, यस, हाँ यहाँ से अच्छा व्यू मिलेगा। पाणी तुम भी आगे जाओ, तो चलो यहाँ से वाटरफॉल दिखाई दे रहा है, अच्छा वाओ अंशिका, आ जाओ इसमें खड़े हो जाओ, ये वाले में, आपके पास वाले में? हाँ उसमें उसमें, हाँ उसमें गहरा है अंदर, ज़्यादा उछलना नहीं। बनाया कैसे होगा? सब बनाया खोद के, और वो डक्स कहाँ गए? अच्छा वो उधर उसको खिला रहे हैं डक को, चलो। अरे फ्लावर्स में खुशबू बहुत आ रही है अच्छी, आ जाओ, वाओ ये देखो, चलो गुड बॉय, द वाटर, आई मेड अ पोयम, रिवर रिवर, हां रिवर रिवर, गुड डक, इधर लेफ्ट में, लुक इट्स अ गेम, ये अच्छा है, अंदर चलो अंदर चलो, ये छोटा सा बहुत खूबसूरत लगता, अच्छा ये देखो अंशिका, लगी चोट, झाड़ो उसमें मिट्टी वगैरह लग गई हो तो झाड़ दो बेटा, पैजामा साफ करो। ये गर्मियों में बहुत गर्मी तो शुरू हो गई, लेकिन पिछले 2 साल से यहाँ के मौसम में अजीब सा हाल हो रखा है। वाह अंशिका, ये यहाँ से देखो कितना अच्छा लग रहा है, लुक हियर लाइक दिस, लाइक दिस, ये देखो, वाह, अच्छा इनमें ये जो इन्होंने काटे हैं ना, जो होल किए हैं सब में से अलग, ये देखो ऐसे, वाह सब में से बिल्कुल अलग निकल रहा है भाई, यहाँ से बहुत व्यू बहुत अच्छा रहा है, अच्छा पानी पानी, जस्ट मोमेंट जस्ट मोमेंट, देखना अभी यहाँ से इसमें देखना, टेन 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 टेन, कितना अच्छा लगता है ना, वहाँ से जाओ, ये इट्स वेरी कूल, कम ऑन, आ जाओ अंशिका, अरे यहाँ पर देखो अंशिका कलरफुल फिश, ये देखो, ओ अरे वो फिश काटेगी नहीं बेटा, आ जाओ, हाँ इसका देखो ये कौन सा कलर है, ऑरेंज कलर की, आई थिंक सो, आई स्टडीड अबाउट दैट, अच्छा इट्स गोल्डन फिश, गोल्डन फिश, द गोल्डन फिश इज वेरी लिटिल, अब पीछे चलो थोड़ा, पापा की तो सुनाई देगा, नहीं 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 पीछे आ जाओ, बिकॉज कैमरे का मैंने डायरेक्शन बदल दिया है, काम दिस साइड, ऐसे यहाँ पर आओ,
नो, ये वाला ब्रिज दिखाना है मुझे। वाह, ये लंदन ब्रिज। लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, फॉलिंग डाउन, फॉलिंग डाउन, माय फेयर लेडी। ये अच्छा लग रहा है, इट्स ब्यूटीफुल रियली। यहाँ पे ना जब बहुत गर्मी हो तभी भी आओ तो यहाँ पे अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ग्रीनरी है और बहुत चीजें। ये तो अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया। सो वेयर इज पीकॉक? ये है, ये देखिए पीकॉक। हेलो पीकॉक। हमारे तो गांव में, हमारे घर में आते हैं। ओके, सो मेनी ब्रिजेस, ओके, टॉयलेट्स ओवर देयर, एग्जिट फ्रॉम द गार्डन। अच्छा, ये सब लगा हुआ है बोर्ड। रोज गार्डन, सन डायल, दिस साइड सन डायल। अच्छा भाई, ये रोज गार्डन के नाम से है, रिफ्लेक्शन पूल। अच्छा, ये रिफ्लेक्शन पूल। ओके, लेकिन इस टाइम पे तो कोई इसमें रिफ्लेक्शन है नहीं। ओह, ये शायद नाइट के होता होगा। ओके, इसके पीछे ये है। कहाँ पे? वो अलग था। नहीं नहीं नहीं, वो उस तरफ है। पापा चलेंगे अभी। कम, वी विल गो फर्स्ट टू द रोज वन। कहाँ है रोज? वो दैट साइड। कम, आ जाओ अंशिका। इस तरह के गार्डन डेवलप करने के अपने फायदे ये होते हैं कि एक तो यहाँ की एयर पोल्यूशन कम होता है, क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं, वृक्ष लगे होते हैं, प्लांट्स, ट्रीज, है ना। और जो लोकल, अच्छा, अगर आप कम्बरलैंड, कम्बरलैंड ही है ना यहाँ की काउंसिल, या इफ़ यू आर फ्रॉम कम्बरलैंड काउंसिल देन यू डोंट हैव टू पे, इट्स फ्री फॉर कम्बरलैंड काउंसिल। अच्छा, अगर हम लोग बोलते, हम भी यहीं से हैं कम्बरलैंड, वैसे हमारा डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कम्बरलैंड काउंसिल बहुत बड़ी है, है ना, यहाँ से लेके ग्रे स्टेन्स और वो सारा कुछ है। तो ये, हाँ, ये रोज़ गार्डन है। वैसे रोजेस तो ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि ये ना अक्टूबर फर्स्ट वीक, सितंबर एंड और अक्टूबर फर्स्ट वीक, सेकंड थर्ड वीक में ज़्यादा होता है। तो ये एक बार ऐसे घूमते हैं हम। तो रोज़ वगैरह कम है इस साल, फेस्टिवल भी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ रोजेस दिखाइए। स्लो स्लो चलिए, स्लो स्लो चलिए भाई। अब हमको मिल रहा है डायरेक्शन, स्लो स्लो चलिए, आ जाइए। अंशिका पांडे जी आइए, अब अम्मा बोल रही हैं स्लो स्लो चलिए, ऐसे दिखाई। यहाँ ये वाले कौन से फ्लावर हैं पांडे जी? वो जो ब्लू कलर के हैं, ब्लू क्या है, बैगनी है, पर्पल, पर्पल, पर्पल कलर के हैं, पर्पल, पर्पल कह रही हैं। जूम करके दिखाइए। नहीं, लेकिन ये देख रहे हो ना, इसमें बहुत सारे पहले जब आए रहे होंगे सब झड़ गए हैं, और अब ये इनका जाने का टाइम, हाँ, जाने का टाइम है। और वो चेरी ब्लॉसम जो यहाँ पर होता है, वो खत्म हो गया ना मेरे ख्याल से। हाँ, उसका क्या टाइम पीरियड है? ये यहाँ पर होते थे चेरी ब्लॉसम ना, हाँ, हाँ, पर वो है नहीं अभी। आगे जाके वो पर्पल और ये ऑरेंज वाला दिखा सकते हैं, वहाँ पे भी यहाँ से चल सकते हैं। नहीं, यहाँ से, हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कौन जाने क्या होगा आगे भाई, किसी को ये फ्लावर्स वगैरह देखने में इंटरेस्ट है भी नहीं आजकल। आजकल क्या देखने में लोगों का इंटरेस्ट है ये तो भगवान जाने, लेकिन यहाँ पर फ्लावर्स के ये तीन चार हैं, ये है, हाँ। पर इस बार वो जगह फिर नहीं दिखी जो मैंने एक बार पिक्चर में देखी थी, पता नहीं ये वाला था या कौन सा था, हाँ शायद यही वाला था। पर ये है इस तरह की बहुत सारा पूरा जो है ना दोनों साइड में था। ये कौन से फ्लावर हैं क्या पता नहीं, बस यहाँ से और आगे है क्या कुछ? हाँ, ये रेड वाले तो बहुत अच्छे लगते हैं फ्लावर्स। अच्छा, थोड़ी सी धूप है आज, हालांकि धूप और छांव दोनों साथ में चल रहे हैं, बिकॉज क्लाउड्स आर देयर इन द स्काई। ये चेरी ब्लॉसम का नहीं है ना, ये वाले हैं क्या? नहीं, वही वाले हैं, पता नहीं, मैंने एक बार पिक्चर में देखा था यहाँ का, इस गार्डन का,
तो बहुत अच्छा लग रहा था वो मुझे, लेकिन पता नहीं किस जगह का है, देखते हैं, किसी से पूछना चाहिए था, है ना। यहाँ जो कोई कर्मचारी हो यहाँ का, कोई काम करने वाला बंदा, उससे पूछना चाहिए था। So, Auburn Botanical Garden is first of all situated in the heart of the city. It's very nearby to Parramatta. So, yeah. And this botanical garden is full of flora and fauna. So, you can see greenery, lots of flowers, beautiful flowers, rose garden, and many more things. And you can do some. And picnics. Play area for kids behind play me. Play area for kids. Yeah, that's it. That's picnic it. Spots. काफ़ी बड़ा है बच्चों खेलने का, नहीं तुम्हारा नहीं अंशिका, अंशिका इवन इफ यू वांट टू डू एनी फंक्शन लाइक वेडिंग और एनी फोटो शूट, यस, सो यू कैन बुक इट, यू कैन कॉल द कंबलैंड काउंसिल एंड यू कैन बुक विद देम। नहीं गार्डन का भी दिया होगा ना नंबर वगैरह, अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो है, क्योंकि हाँ वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था कि अगर आप फोटो शूट वेडिंग वगैरह, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बता दूं आपको कि ऐसी कल्चर है, लोग बीच के किनारे जाते हैं या ऐसे गार्डन्स में जाते हैं, बोटैनिक गार्डन और तमाम सारी ऐसी जगह हैं जहाँ जाकर के लोग जो हैं शादी का फ़ोटो शूट करवाते हैं, फ़ोटो सेशन कह दें जो कुछ भी है, लेकिन करवाते हैं, तो उसके लिए यहाँ एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है। और जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो फॉर दिस नो नीड टू गेट एनी परमिशन और एडवांस नोटिफिकेशन और समथिंग लाइक दैट। तो ये है, और अंशिका ये मेरे ख्याल से एंड है बेटा, सो लीव इट नाउ फॉर नाउ, वी विल गो दिस वे। ये मेरे पीछे जो है ये है, व्हाट इज दैट, ये बच्चों का प्ले एरिया है, काफ़ी बच्चे खेलते हैं। हाँ अंशिका लव्स दिस प्लेस, अंशिका का पैशन देखो खेलने के लिए। अंशिका के पास में दो चीज़ें हैं जो बहुत पसंद हैं अंशिका को, एक फूड और दूसरा प्ले। हाँ यहाँ पर है ओपन थिएटर, यस, कुछ प्रोग्राम वगैरह होते हैं तो खैर टॉयलेट बाथरूम इधर बने हुए हैं कॉमन, कई जगहों में वैसे। ये है ओपन थिएटर, लेट्स सी, ये है ओपन थिएटर, यहाँ लोग बैठते हैं सामने और यहाँ पर प्रोग्राम्स होते हैं। ये है स्टेज बनी हुई है और ये सामने ग्राउंड में बैठते हैं। अगर लोग मुंबई से मुझे देख रहे हैं और फिल्म इंडस्ट्री से जिनका संबंध होगा तो उनको पृथ्वी थिएटर के बारे में पता होगा, हालांकि वो तो पैक्ड है लाइक कवर्ड और बहुत अच्छा है पृथ्वी थिएटर, उसमें लगभग 200 सिटिंग अरेंजमेंट है। तो इसी तरह से उसका भी स्टेज बना हुआ है और ऐसे ऐसे राउंड शेप में उसमें बैठने का। ये तो ओपन थिएटर है, तो कभी कुछ परफॉर्मेंस और कुछ प्रोग्राम वगैरह होता है, और मेरे ख्याल से इसमें शायद पर्दा वगैरह लगा करके कुछ फिल्म वगैरह जो भी दिखाते होंगे, अगर जानवरों से रिलेटेड या कुछ ऐसी इंफॉर्मेटिव, तो उसके लिए ये प्लेस है, इसका नाम है ओपन थिएटर। चलें अंशिका, लेट्स गो दैट साइड। ये एक और पॉन्ड है, लेक पॉन्ड जो भी कह दें, हमारे गांव में जो लोग मुझे गांव से देख रहे हो इसको कहते हैं गड़ेवा तालाब, तालाब तो बड़ा होता है। गांव गांव में आज मैं भी सोच रहा था पांडे जी कब, अंशिका ऐसे तुम मत ऐसी आवाज़ निकाल लो, ऑलरेडी वहाँ पर बहुत सारे लोग निकाल रहे हैं। मैं आज सोच रहा था पाणी जी कि अभी जैसे इन लोगों ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह नेक्स्ट वीक से खोलनी है, सो नाउ वी कैन ट्रैवल ओवरसीज, देर आई थिंक सो कुछ कंट्रीज हैं जिनको उन्होंने किया है। ये यहाँ पे कैंगरू हैं हम लोग, नहीं नहीं वो उधर से जाएंगे तब देखेंगे, वापस आ करके देखेंगे, अभी यहाँ से दिखा के फ़ायदा नहीं है। अभी तुमने रेट्स नहीं निकाले हैं ना टिकट्स के, पहले जैसे हम लोग नॉर्मल ये पैंडमिक से पहले जाते थे तो 1200 टू 1500 के बीच में हम लोगों को, अगर दो महीने पहले तीन महीने पहले टिकट ले लेते थे, इवन हम लोग तो चार चार महीने पहले भी टिकट ले लेते थे ना, क्योंकि जैसे हमको इंडिया आना है, ओवरसीज़ ट्रैवल करना है, तो कोई 15-20 दिन पहले एक महीने पहले प्लान नहीं बनता है, अगर कोई इमरजेंसी है तो अलग बात होती है। मोर की आवाज़ आप सुनिए, पिकॉक, तो मतलब $1200 से लेकर के और $1500, वैसे तो उससे ऊपर भी हुआ करते थे, 2500 की भी टिकट्स हुआ करती थी, लेकिन 1000-1200 की भी मिलती थी अगर आप 4-5 महीने पहले बुक करें। एयर इंडिया की भी फ़्लाइट थी, और मैं तो रिकमेंड करूँगा दोस्तों अगर आप इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं
अगर उन लोगों ने अभी चालू कर दिया हो तो, क्योंकि मुझे पता नहीं, क्योंकि सब पिछले दो साल से तो बहुत डिस्टरबेंस चल रही थी, क्योंकि मैंने दो बार ट्रैवल किया है यहाँ से और दिल्ली, तो दिल्ली से और सिडनी के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं। उसके दो तीन फ़ायदे हैं जो मुझे लगे, भाई हो सकता है आपको अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर स्नैक्स का है, ये सांप वगैरह का, ये देखो इसमें लिखा हुआ है, ये यहाँ पर, हाँ, तो फिर इसलिए अम्मा का हाथ पकड़ लो और चलो ये वॉक करके आते हैं। तो फ़ायदे मुझे जो लगते थे वो ये, एक चीज़ की टाइम सेव होता है। अगर आप कनेक्टिंग फ़्लाइट पकड़ते हैं तो बीच में कई बार ऐसा होता है कि आपको एक फ़्लाइट छोड़ के दूसरी फ़्लाइट पकड़ने में, अगर आप सिंगापुर एयरलाइन से जाते हैं तो सिंगापुर में होता है, अगर आप मलेशिया से जाते हैं तो कुआलालंपुर में होता है, या फिर एमिरेट्स से जाते हैं तो दुबई वगैरह में उधर कहीं पर होता है। और एक बार मैं उधर से गया था, ताइपाई, क्या था उसका नाम, ताइवान से गया था, नहीं उसका एयरपोर्ट का कुछ नाम ऐसे ताइपाई ऐसे, मुझे सॉरी लाइक मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन मुझे वो नाम नहीं चढ़ रहा मेरी जुबान पे, पर वो ताइवान से होके गया था मैं। फ़्लाइट अच्छी थी, लेकिन उसमें जो कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है तो आपको एयरपोर्ट में काफ़ी हौच पौच हो जाता है, लाइक एक फ़्लाइट छोड़ो दूसरी पकड़ो और बीच में चेक इन चेकआउट वो सारा कुछ, बैगेज वैगेज का भी कहीं कहीं चक्कर होता है। वैसे जो आपका मेन बैगेज है वो तो खैर डायरेक्ट वो अपना खुद कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके साथ फैमिली है और आप अकेले भी हैं और टाइम कम है तो थोड़ा सा रिस्की होता है या थोड़ा स्ट्रेसफुल होता है। यहाँ पर ये क्या रखा हुआ है पांडे जी, कोई जैकेट वगैरह भूल गया है क्या, या कोई होगा बंदा यहाँ पर फोटोग्राफी वगैरह कर रहा हो, किसी बैग है, हाँ आई थिंक सो बैग है भाई, इसमें कुछ रखा तो नहीं है, है ना बच्चा उसके पास मिलता ना बेटा, हाँ ये किसी का लगता है गिर गया है और फिर जिसका होगा वो लेके भी जाएगा या जा कर के काउंटर में जमा करवा दें, नहीं 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 ना, तो पांडे जी ने मना कर दिया, पांडे जी थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, मैं थोड़ा इमोशनल, बहुत इमोशनल आदमी हमारे इमोशन नहीं इमोशनल अत्याचार होता रहता। तो इसके लिए अगर आप डायरेक्ट दिल्ली वाली फ्लाइट पकड़ते हैं ना तो आपके आवर्स बचते हैं। सबसे बड़ी और मज़ेदार बात यह है कि जब मैं गया था फर्स्ट टाइम तो डायरेक्ट जो सिडनी से दिल्ली वाली जो इंडियन फ्लाइट है उसमें भैया खाना आपको जो मिलता है बहुत बढ़िया। अब क्या कैसे करते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन जब मैंने दो बार ट्रैवल किया तो मेरे साथ तो एक बार मैं और अंशिका केवल हम दो लोग ही गए थे, तो अंशिका के लिए मैंने अलग से कुछ, मैंने बोला कि बच्चे के खाने के लायक कुछ फूड आप दीजिए, वो ऐसा कुछ मैंने मेंशन नहीं किया था टिकट बुक करते टाइम, ऐसे ही जनरली बोल दिया। तो वो लड़की इतना सहारा दे के गई, वो 20 बार मेरे को पूछने आई बीच में कि और कुछ आपकी बेबी को चाहिए, और कुछ चाहिए सर, कुछ और चाहिए, और खाने का एकदम बढ़िया इंडियन टेस्ट खाना बढ़िया था, मज़ा आया। और उससे भी बड़ी चीज़, हमारी जो फ़्लाइट्स हैं इंडिया वाली उसके जब आप कांच खोलते हैं तो उसमें बढ़िया सतरंगी, इतना खूबसूरत लगता है उसकी विंडोज़ बहुत बढ़िया, वो ग्लास बहुत अच्छे हैं, मैं उन सबका नाम नहीं मुझे याद है, लेकिन उससे आपको बाहर का कुछ नहीं ऐसा दिखता और वो कलरफुल और बहुत अच्छे होते हैं। प्लस उससे भी मेन बात है कि जब आप बैठते हैं तो आपको काफ़ी लेग स्पेस मिलता है पैर फैलाने के लिए और कंफर्टेबल होती हैं सीट्स। और फ़्लाइट्स जो यहाँ शुरू हुई थी वो सब नई हैं तो बहुत ही आरामदायक हैं। तो खाना सर्विस दोनों चीज़ें अच्छी, प्लस पैसा अपने देश में जाता है। मैं थोड़ा सा राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ तो मुझे लगता है कि जिस भी स्वरूप में आप राष्ट्र की मदद कर सकें तो करना चाहिए, तो इधर उधर जाने के बजाय भैया वहाँ चला जाए। थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव रेट होता है तो उसमें हो सकता है आपको थोड़ी बहुत मलेशियन एयरलाइंस और इधर उधर की थोड़ी सस्ती मिल जाए, लेकिन उनकी सर्विस और फिर वो सब बहुत बुरा होता है। जैसे हम अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस बताएं पांडे जी, डू यू रिमेंबर जब हम पहली बार आए थे तो हम लोग सिंगापुर कनेक्टिंग थी ना हमारी फ्लाइट, हम क्वांटस से आए थे ना, क्वांटस जो है तो वो ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइंस है, समझ लीजिए अपने यहाँ की जैसे एयर इंडिया, तो वो गवर्नमेंट की है ना, सेमी या कुछ ऐसा है ना, हाँ सेमी प्राइवेट जो भी है, लेकिन वो यहाँ की सरकारी मानी जाती है एक तरह की। तो उसमें आए थे तो हम लोग सिंगापुर तक किसमें आए थे, लेकिन वो फ्लाइट अलग उसकी थी ना, जेट एयरवेज। तो मुंबई से और सिंगापुर, क्योंकि हम तो मुंबई से आए थे तो मुंबई टू सिंगापुर की जो फ़्लाइट थी वो ठीक थी,
खाने पीने के हिसाब से अपना बढ़िया देसी खाना वगैरह था। और जब हम सिंगापुर से और फिर हम हमारा तो नहीं सिंगापुर से हम पर्थ आए थे, फिर पर्थ से भी चेंज था है ना पर्थ से फिर हम कॉन्टस में आए थे। हाँ ऐसा नहीं, कॉन्टस तो हमको वहीं से मिल गया था मेरे ख्याल से सिंगापुर से ही, लेकिन यहाँ से फिर हमको जो है तो हम चेकआउट कर गए और फिर इसके बाद में हम डोमेस्टिक में गए थे। हालांकि हमारी टिकट एक ही बुक थी एडिलेड तक के लिए। तो जब हम यहाँ पर पर्थ में उतरे तो फिर उसके बाद लेकिन जो खाना दिया, मेन चीज़ फ्लाइट तो अच्छी थी, सर्विस सब कुछ अच्छा था, लेकिन खाना माय गुडनेस जो राइस मिला था वो मैं कभी भूल नहीं सकता। दोस्तों अगर आप इंडिया से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अपने यहाँ जैसे गेहूँ होता है उतना मोटा ऑलमोस्ट उसी तरह का कलर और टेस्ट भी जैसे गेहूँ को आप उबाल के खा रहे हो वैसा। और अगर आप पाकिस्तान से हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप यहाँ मेरे ख्याल से क्या बोलते हैं, गंदुम क्या बोलते हैं वो लोग पाकिस्तान में गेहूँ को, कुछ गंदुम या समथिंग बोलते हैं, तो बस समझ लीजिए उसे अगर आप बॉयल कर दें तो वैसा। और ये क्योंकि मेरे वीडियोस पाकिस्तान में भी लोग देखते हैं और पाकिस्तान के लोग कमेंट भी करते हैं, तो वैसा चावल था और था पूरा वेजिटेरियन फूड, लेकिन मतलब हम तो वहीं से हैरान हो गए थे भाई ये खाना कैसा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर पैसे खर्च करने हैं तो आप डायरेक्ट सिडनी से, अब मेलबर्न से भी दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट है कि नहीं मुझे नहीं पता है, तो ऐसा कुछ पकड़ सकते हैं। तो मैं आज वही सोच रहा था, बात यहीं से शुरू हुई थी, देखो हम लौट करके घूम करके यहीं पर आ गए, कि अभी ये फ़्लाइट वगैरह शुरू कर रहे हैं, मेरे साथ के जानने वाले दो चार लोगों ने ऑलरेडी फ्रॉम हियर और फ्रॉम देयर, अंशिका गो एंड चेक इज़ देयर एनी वे टू गो इनसाइड रन। तो मैं सोच रहा था, मैंने पाणी जी को कल बोला भी कि यहीं पर देखो बेटा लेफ्ट में नहीं है ना, तो वापस आ जाओ कम बैक हम लोग आगे से चलेंगे, आ जाओ या वहाँ पर होगा, अरे आगे से भी होगा, कम। तो कम नहीं है ना, तो वही मैं सोच रहा था कि अभी हम लोग भी जो है इंडिया प्लान करें, तो पाणे जी ने कहा नहीं अभी और 4-6 महीने रुकिए, 2-3 बजे हैं उसकी, एक की अगर चले गए, और क्योंकि पिछले साल हुआ है हमारे कई लोग जानने वाले इंडिया चले तो गए लेकिन वापसी में यहाँ की गवर्नमेंट ने बड़ा परेशान कर रखा, 4-4, 5-5 महीने तक नहीं आने पाए कुछ लोग, और फिर जो टिकट के रेट्स थे वो तो मतलब पागल कर देने वाले, 5,000-6,000 डॉलर का वन साइड का किराया, जहाँ एक टाइम पे 1,200-1,500 में, और इवन अगर आप मलेशियन एयरलाइंस से बुक करवाते थे तो मेरे ख्याल से 1,000 में भी हो जाता था यहाँ से 4-5 महीने पहले। ये सब टिकट्स टाइम के हिसाब से भी ज़्यादा मैटर करता है कि अगर आपने काफ़ी टाइम पहले खिंचवा लिया, चलो यहाँ पे होगा कहीं से तो एंट्री होगी इसकी, नहीं बेटा यहाँ पर चलते हैं ना पहले कांगरू देखते हैं। तो आपको टिकट वगैरह का भी हमने पता नहीं किया, आज रात बैठेंगे देखेंगे, पर अभी फिर ये हमने डिसाइड किया है कि अभी हम 4-6 महीने जल्दबाजी नहीं करेंगे, कि अगर गए और किसी कारण से वहाँ फंस गए तो अंशिका का स्कूल है, फिर पाणे जी अकेले, हमारा तो कोई यहाँ पे ऐसा कुछ बड़ा फैमिली है नहीं कि मैनेज हो जाएगी, वैसे ज़्यादातर लोगों की यहाँ कोई बड़ी फैमिली नहीं होती है, पर फिर भी कुछ लोगों के यहाँ पे अपने रिलेटिव्स हैं, कज़िन हैं या दूसरे ब्रदर वगैरह होते हैं, तो उनके लिए शायद मैनेजबल होता हो, और हमारे काम धंधे के हिसाब से भी वो थोड़ा सा दिक्कत होगी। ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे आप सिटी के, अरे क्या कर रहे हो इतना, ये लोग मेरे ऊपर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं तुम लोग, शट अप। अंशिका बोल रही है कट इट। आहा बाहर गेट के बाहर भी एक मोर गया, क्योंकि मोर थोड़ा सा उड़ भी लेता है। तो हाँ असली बात तक मैं अभी नहीं पहुँचा, अब पहुँच रहा हूँ। तो अभी जाएँ या 6 महीने 8 महीने बाद जाएँ या जब भी जाएँ इंडिया, लेकिन मैंने ये सोचा था आज कि जितने दिन मैं गांव में रहूँगा तो मैं गांव में व्लॉग बनाऊँगा, तो अगर मैं गांव जाता हूँ इंडिया जाता हूँ तो डेफिनेटली मैं मैक्सिमम टाइम इस बार गांव में स्पेंड करने वाला हूँ, अगर भगवान ने चाहा तो, सब प्रभु के ऊपर है। तो आपको गाँव में क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, गाँव के लोग कैसे होते हैं, बहुत बढ़िया, जितने भी दिन रहूँगा तो ऑलमोस्ट आई विल ट्राई कि एवरी डे मैं आपको एक ब्लॉग बना के गाँव का अपने दिखा सकूँ, तो आप लोग इंतज़ार करिएगा। ये यहाँ पर छोटा सा
क्या है ये कैंगरू? और यहाँ नहीं, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन भी हैं, आप देखिए मेरे पीछे बोर्ड्स। तो पारे जी कैन यू रीड इट? ट्रैवलिंग थ्रू टाइम फ्रॉम देन, ये बहुत पुराने टाइम से लेकर के और अब तक ऑस्ट्रेलिया की अपनी हिस्ट्री है। फिर ये देखिए यहाँ पर ये एबोरिजिनल्स हैं, ये किस प्रकार से यहाँ पर सर्वाइव करते थे, क्या खाते पीते थे और किस तरह की चीज़ें बनाते बनाते थे। अभी भी बहुत सारे लोग, मैं कभी ऐसी जगह लेकर के चलूँगा जो यहाँ के एबोरिजिनल्स जहाँ रहते हैं, और फिर किस प्रकार से अंग्रेज़ों का यहाँ पर पदार्पण हुआ, फिर उन्होंने कुछ चीज़ें डेवलप की, और अच्छी बुरी हर तरह की हिस्ट्री है। देखिए जब कहीं पर कोई जाता है तो फिर वहाँ के अच्छे बुरे हर तरह का काम होता है, लाइक इतिहास में बहुत चीज़ें मिलती हैं, भारत में भी हैं, यहाँ पर भी हैं। मैं बताऊँगा कुछ चीज़ें जो मुझे पता चली हैं। तो एबोरिजिनल्स मीन्स जो यहाँ के आदिवासी हैं, एक प्रकार से अभी भी हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। और ये फिर उसके बाद में और भी लोग आए, ये देखिए इसमें सभी कम्युनिटी हैं, मुस्लिम भी हैं और मेरे ख्याल से अफ्रीकन्स भी हैं, ये बिंदी लगा करके इंडियन, ये श्रीलंकन और गोरे, सारा कुछ जो है ये एबोरिजिनल हैं। और ये यहाँ पर बर्ड्स हैं, ये अपने यहाँ भी बर्ड्स होती हैं लगभग। अच्छा एक बात बताएं, अपने यहाँ पर मैंने शुरू में जब मैं एडिलेड में था तो यहाँ पर जो कौवा होता है ना, तो क्रो जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में आप लोग, मैं तो कौवा ही बोलता हूँ अभी भी, तो एडिलेड में सारे कौवा जो हैं तो सफ़ेद नहीं हुआ करते थे, मतलब काले नहीं होते थे, काले और सफ़ेद दोनों होते थे। पर अभी सिडनी में मुझे जो हैं काफ़ी ऐसे क्रो दिखे, एक तो ये देखिए यहाँ पर बैठा हुआ है जो पूरा काला है, लाइक जैसे इंडिया में होते हैं वैसे कौवा यहाँ पर दिखाई दिए, क्रो पूरे ब्लैक। अदरवाइज तो हाँ एडिलेड, ये कौन सा, हाउ डू स्पेल दैट? Wombat. तो ये है यहाँ का मेरा, वेयर आर यू माइट? Wombat. ये है देखिए यहाँ का ऑस्ट्रेलिया। तो ये यहाँ पर पिकॉक भी है और एक छोटा वाला पिकॉक डांस कर रहा है। और ये हैं हमारे पीछे इस लैंड के आइकॉनिक जीव, कैंगरूज। ये 1, 2, 3, 4 तो वहाँ बैठे हैं, एक दो चार बाहर भी हैं, पीछे देख सकते हैं, लुक एट देम। किसका है? उठा लो उठा लो। तो ये हैं यहाँ के कैंगरूज। और एक मोर वहाँ पर नाच रहा है, दो कौवा ऊपर बैठे हुए हैं, ब्लैक कौवे यहाँ देखने को मिले मुझे सिडनी में, एडिलेड में नहीं दिखाई दिए। तो हम लोग सोचा भी करते थे कि भाई यहाँ पर पशु पक्षी भी आ करके और अपना वो रंग बदल लेते हैं। ये एक मेरे पीछे डांस कर रहा है, अंशिका कम यार, ये देखो ये क्या है बताओ आके, कम। तो कहाँ? घर पे। कौन है वो जो आए थे ना एक अंकल? हाँ तो 6:30 बुला लो ना, 6:30 विल बी एट होम। सो गुड। अरे वो देखिए इमियो का वो, अरे ये देखो डांसिंग पिकॉक ना, ऐसे मत करो, ऐसे उसको गुस्सा करेगा, काट लेगा। क्या नाम है इसका बताओ? दिस इज एन ईमू, दिस इज एन ऑस्ट्रेलियन एनिमल, इट्स इन द 50 सेंट डॉलर कॉइन, एंड अ कैंगरू इज इवन इन अ 50 सेंट डॉलर कॉइन। अगेन ये एक छोटा सा वुडन ब्रिज, लकड़ी का पुल बना हुआ है, इधर ही चाहने का संडे या सैटरडे को इधर पार्टी भी कर सकते हैं, पिकनिक भी कर सकते हैं। वहाँ पर लिखा भी है, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, उधर लिखेला है भाई, इधर आके आप लोग पिकनिक भी कर सकते हो, बच्चे के खेल, बच्चों के खेलने के लिए भी बहुत कुछ है। ये यहाँ पर आपको अगर आप रात में गाड़ी ड्राइव करते हैं तो बहुत सावधान रहें ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा वहाँ पर भी है एम्यू, ईमू वहाँ पर भी है, देखो ये नेट के उस तरफ भी है। क्योंकि मेरे एक मित्र हैं, उनका इस कैंगरू की वजह से अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे के आसपास वो ड्राइव करके जा रहे थे, वो भी घूमते रहते हैं, काफ़ी घूमते हैं वो लोग भी, वो पूरी फैमिली बहुत एंजॉय करते हैं। नाम मैं बता दूं उनका, गोरख जी, एडिलेड के मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, उनकी वाइफ हैं कविता जी और उनके दो बच्चे हैं, बेटियाँ हैं दोनों, तो वो लोग भी बहुत घूमते रहते हैं। आजकल वो मेरे ख्याल से कहाँ है? केन्स में है उनका अपडेट, इन्होंने देखा था तो बताया इन्होंने।
तो उनका ही, वो कहीं जा रहे थे कैंपिंग करने जा रहे थे मेरे ख्याल से ना, तो उनकी गाड़ी जो है तो पलट गई थी क्योंकि कैंगरू बीच में आ गए थे। और एक और मेरे मित्र हुआ करते थे, सरदार जी थे, पहले एडिलेड में थे, एडिलेड से फिर सिडनी आ गए थे। तो सिडनी से एडिलेड एक बार वो ड्राइव करके आ रहे थे, तो ऑल ऑफ सडन नाइट में वो जब ड्राइव कर रहे थे तो कंगारू जंप करके उनके कांच में आ करके लगा, लाइक फ्रंट में, और वो खैर गाड़ी वाड़ी भी काफ़ी डैमेज हो गई थी, बच गए किसी तरह से। तो यहाँ जब बताते हैं कि रात में आप ड्राइव करते हैं अगर, तो रात में होता क्या है कि लाइट देख करके कंगारू जो है तो अट्रैक्ट होते हैं, और वो कैंगरू, हाँ भैया मेरी बेटी बोल रही है, आप कंगारू मत बोलिए, कैंगरू बोलिए, पर हिंदी में कंगारू ही हमने पढ़ा है। तो ये कैंगरू जो हैं तो रात में लाइट देख के अट्रैक्ट होते हैं, और चूंकि ये चलते नहीं, ये जंप करते हैं दो पैरों से, तो वो जंप करके ऑल ऑफ सडन आपके गाड़ी में टकरा जाते हैं। देखो पीकॉक, पीकॉक, लुक देयर इज अ पीकॉक, वेयर, यस। तो रात में अगर आप ऑस्ट्रेलिया में ड्राइव करते हैं तो बहुत सावधान रहें, क्योंकि यहाँ पर कैंगरूज की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इट्स बेटर आइडिया, एक कैंगरू ये बैठा हुआ है, वो बैठा है ना, नहीं बैठा है ऐसा नहीं, उसके बाल वगैरह थोड़े से अलग लग रहे हैं। ये देखो कैसे जंप, ये जंप करके आ गया। हाय हेलो हाउ आर यू, इनके जो है पिछले दो पैरों से ही उनका सारा काम होता है, वो अगर मारते भी ना, हिट भी करते हैं तो जंप करके पिछले पैरों से ही मारते हैं। कहाँ पर? हाँ वो ऊपर बैठ गए, हाँ अंशिका बता रही, पीकॉक है पीछे ऊपर बैठा हुआ। इट्स लाइक दैट। ऑबर्न में बोटैनिक गार्डन है, जहाँ आकर के आप टाइम एक्सपेंड कर सकते हैं दोस्तों। और अगर रात में आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, क्योंकि अभी छुट्टियाँ हुई हैं, हम लोग भी प्लान कर रहे हैं, और दूसरा वो तो चलिए जब मैं इंडिया जाऊँगा और गाँव के व्लॉग दिखाऊँगा और जहाँ कहीं पर भी जाऊँगा वहाँ सब जगह के व्लॉग वगैरह दिखाऊँगा, लेकिन बिफोर दैट ये जो दिसंबर आ रहा है, जैसे हमने लास्ट ईयर प्लान किया था, वैसे तो मैंने यूट्यूब के लिए वीडियोज़ बनाने ही इसलिए शुरू किए थे क्योंकि हमारी ट्रिप कैंसिल हो गई थी और अंशिका बहुत बोर हो रही थी, तो ये था कि यहाँ आसपास हम लोकल तो जा सकते थे, पर यहाँ के स्टेट्स के बॉर्डर जो हैं तो सील हो गए थे तो हम नहीं जा सकते थे। तो उस लिहाज से हमने जो है वीडियो वगैरह शौक में बनाए दो चार, फिर वो बनते चले गए और अब तक सिलसिला चालू है। देखते हैं कितने दिन तक सिलसिला चलेगा, जब तक आप लोग अपना प्यार बनाए रखेंगे तो चलेगा, बाकी कोई यूट्यूब से मुझे ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन तो है नहीं बहुत बड़ी कि भाई कमाल धमाल कुछ हो जाएगा, तो देखते हैं। अच्छा यहाँ पर ये देखिए लिखा भी है पांडे जी, हाँ ये देखो उसके अंदर बच्चे को रखते हैं, पेट में उनके एक झोला जैसे होता है, पाउच बोलते हैं उसको, तो उसमें बच्चा रखते हैं वो लोग थैली में। तो ये है, हाँ तो ये था कि इस दिसंबर की भी हमने प्लानिंग की है, कई जगह एक्सप्लोर करने वाले हैं। पांडे जी ने तो दो तीन चार जगहों की अपनी होटल्स वगैरह की बुकिंग भी कर दी है, लेकिन इट्स टोटली डिपेंड ऑन कि गवर्नमेंट अगर तब तक कोई डिसीजन चेंज ना कर दे, क्योंकि एंड टाइम पर भैया यहाँ का कुछ भी हो सकता है, कि डर लगने लगा है कि अभी हम कुछ करें प्लान और सक्सेस हो पाए ना हो पाए। तो आप लोग जो हैं दोस्तों तैयार रहिएगा, दिसंबर 18-20 तारीख से कुछ हम बाहर की प्लानिंग कर रहे हैं, बाहर मीन्स रहेंगे तो हम यहीं, तो हम लोग जो हैं रहेंगे न्यू साउथ वेल्स में ही, जैसे अपने यहाँ महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश और ये सारे स्टेट्स होते हैं, वैसे स्टेट है ये न्यू साउथ वेल्स जिसमें सिडनी आता है। सो वी विल बी इन न्यू साउथ वेल्स, बट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर सम न्यू प्लेसेस। हाँ शी इज़ टेलिंग डोंट डिस्क्लोज नाउ बिकॉज फिर हाँ इट्स अ सस्पेंस। सो सो नहीं हम लोग तो इसी में शौक पूरा कर लेते हैं, आप प्रॉपर कर रहे हो, दैट्स व्हाई, समझ गए ना। देखा यहाँ पे रैंडमली भी आप हिंदी में बात करोगे तो लोग जानने वाले मिलते हैं, दैट्स व्हाई आई डिड दैट, थैंक यू। सो यहाँ पे जो है तो डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन इतना हिंट दे रहे हैं, अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया से हैं तो आपको शायद समझ में आ जाएगा कि जैसे हमारे यहाँ पर मुंबई किस चीज़ के लिए जाना जाता है बताइएगा, केवल समुद्र के लिए नहीं, क्योंकि समुद्र तो मुंबई के क्या पूरे इंडिया में कई जगहों में है, बहुत जगहों में, मीन्स मेरे ख्याल से 3 साइड से समुद्र से घिरा हुआ है इंडिया। तो इंडिया में मुंबई किस चीज़ के लिए फेमस है, तो ये आप समझ लीजिए कि उस तरह का कोई प्लेस है ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ भी जाने वाले हैं। और मथुरा वृंदावन किस लिए फेमस है,
उस तरह का भी कोई एक प्लेस है, उसके लिए भी जाने वाले हैं। और उसके अलावा मेनी मोर और कई चीज़ें हैं जो हम जहाँ पर जाएंगे और वहाँ के वीडियोज़ आपको बना करके दिखाएंगे। तो व्हाट एल्स, अच्छा एक जो आपको लग रहा हो कि गोकुल विलेज गए हुए थे हम लोग 2-4 महीने पहले 5-6 महीने पहले, सो इट्स नॉट दैट प्लेस, क्योंकि वो तो काफ़ी क्लोज है यहाँ से। अभी हम अब की बार जो है तो 1200 किलोमीटर के आसपास का पूरा जो डिस्टेंस है वो कवर करने वाले हैं। तो ये है, और अभी तो आप ये वीडियो देखिए, एंड तक अगर आपने देखा है और एंजॉय किया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से देखते रहिए हमारे वीडियोस को और अपना प्यार बनाए रखिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, और एक लाइक ठोको ना, पैसे थोड़ी लगते हैं। नहीं ठोकना है तो मत ठोको, वीडियो देख लिया उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और अंशिका बोलो आगे, subscribe our channel, please subscribe our channel and like and share the videos and share the videos. So it was a very nice destination today, very nearby to our house and very relaxing, very beautiful, full of greenery and flowers. So hope so you all have enjoyed as well as we had enjoyed, and see you in the next video. Till then, bye-bye. Bye bye.